नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता, मेरे साथ नीरज भंडारी सर, जो जानकारी देंगे दोस्तों रोहित वर्सेस विराट के चल रहे बवाल को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर दोस्तों फैंस दो अलग गुटों में बढ़ चुके हैं। कुछ फैंस रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ विराट कोहली के सपोर्ट में है, क्योंकि विराट से अचानक से दोस्तों ये ODI कप्तानी छीनी गई है और T20 कप्तानी भी उन्होंने अचानक से छोड़ने का फैसला लिया था। तो जो कुछ भी अचानक से इन दिनों T20 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया के खेमे से खबरें सामने आ रही है उनको लेकर फैंस भी काफी परेशान है। लेकिन इस समय विराट के सपोर्ट में कौन है, रोहित के सपोर्ट में कौन है, और साथ ही साथ फ्यूचर को अगर देखा जाए तो इन दोनों में से बेहतर कौन है, शायद हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी मिल जाए। तो आपके लिए क्या लगता है कि इस समय विराट के साथ कौन दिख खड़ा है? जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि विराट के साथ पहली बात तो जाती हो चुकी है, बिल्कुल 48 आवर्स BCCI ने उन्हें दिए थे कि आप जाइए और अपना इस्तीफा हमें दीजिए, ODI क्रिकेट से आप कैप्टनसी छोड़िए, हमें रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना है ODI का भी। आपने T20 फॉर्मेट्स में कहा कि आपने इस्तीफा दे दिया है, उस इस्तीफे का कह सकते हैं सपोर्ट नहीं कर रहे थे BCCI के अभी हाल ही में जो करंट प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, पूर्व क्रिकेटर भी हैं भारत के, उन्होंने यहाँ पे इसमें सहमति नहीं जताई थी और उन्होंने विराट कोहली से बात भी करी थी कि और आप T20 फॉर्मेट से कैप्टेंसी मत कह सकते हैं स्किप कीजिए या फिर स्टेप डाउन मत करिए, क्योंकि सौरभ गांगुली पहले से ही जानते थे, बहुत लंबी सोचते हैं सौरभ गांगुली, इसी तरीके से BCCI के प्रेसिडेंट नहीं बनाए गए, बिल्कुल एक सोच के कारण बनाए गए, उनकी सोच बहुत लंबी रही है, भारत के पूर्व कप्तान भी रहे और सफल कप्तान भी रहे, तो दूर की अच्छी सोचते हैं, उन्हें पता है अगर विराट कोहली अगर स्टेप डाउन करते हैं T20 फॉर्मेट से तो उन्हें कहीं ना कहीं ODI के फॉर्मेट से भी किसी प्रेशर के चलते हटाया है जा सकता है। रोहित शर्मा का इतनी ज्यादा हाइप बन चुकी थी, जिस तरीके से सभी सिलेक्टर सभी कह सकते हैं पूर्व क्रिकेटर ये मान रहे थे अगर रोहित शर्मा कैप्टन बन जाते वर्ल्ड कप में तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में हम वो वर्ल्ड कप में हमारी स्थिति जो लीग से बाहर हम हो चुके थे उसमें अच्छी बन सकती थी, मतलब सौरव गांगुली बहुत दूर की सोच रहे थे इस वक्त। तो बिल्कुल ये आपने बात सही कही कि सौरव गांगुली का हमेशा दूर का नजरिया रहता है, वो हमेशा दूर की सोचते हैं, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी को तैयार करके टीम की कप्तानी सौंपी गई, वो रिजल्ट आप सबके सामने है, 3-3 ऐसी ट्रॉफी जिता कर दी जो अभी तक किसी भी कप्तान ने नहीं किया कमाल। लेकिन यहां बात करें अगर रोहित वर्सेस विराट के मामले को लेकर, तो आपको बता दें विराट कोहली से अभी तक ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया कि उन्होंने अपनी कप्तानी को लेकर कुछ बात कही हो, और BCCI ने भी दोस्तों 24 घंटे बाद जब उनके ODI से कप्तानी छीनी जाने की खबर है उसके 24 घंटे बाद उनके लिए जो स्पेशल मैसेज थैंक यू का था कि आपने ODI में इतनी सफलता प्राप्त की वो देखने को मिला था, तो उससे साफ पता चल रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ अंदर ही ऐसी खिचड़ी पक रही है जो सचमुच विराट कोहली को इससे अंदर ही अंदर झकझोर तोड़ सकती है। क्या लगता है कि इससे मानसिक चोट कितनी पहुंची होगी विराट कोहली? जी बिल्कुल, एक कमेंट एक इंटरव्यू हमने जरूर सुना था विराट कोहली का, उसमें वो बताया रहे थे कि मैं ODI और टेस्ट मैच कैप्टनसी अभी भी करना चाहता हूं, T20 फॉर्मेट से थोड़ा सा कह सकते हैं अगर कैप्टनसी छोड़ने से प्रेशर जो आता है विराट कोहली पे वो वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा उनको अपना स्पेस के लिए टाइम चाहिए होता तो वो स्पेस उनको मिल जाता, लेकिन ODI से बिल्कुल भी वो सहमत नहीं थी कि वो वहां से स्टेप डाउन करें, जिस तरीके से उनका रिकॉर्ड है उन्हें रोहित शर्मा के साथ अभी कंपैरिजन करना एक बहुत बड़ी गलती है। हम जो कह सकते रिपोर्टर्स हैं या फिर मीडिया के जितने भी लोग हैं वो सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ कंपैरिजन नहीं हो विराट कोहली का, जिस तरीके से विराट कोहली ने बहुत कह सकते हैं मैचेस जिताए हैं, 50-50 मैच हर एक फॉर्मेट में भारत को जिताना एक बहुत बड़ी बात होती है, एशिया के ही नहीं मुझे लगता है वर्ल्ड के ऐसे कैप्टन होंगे जिन्होंने भारत में इस तरीके से कैप्टनसी करी है कि भारत को बाहर भी जिताया है प्लस एशिया में भी जिताया है, तो ऐसा कोई कैप्टन मैंने इससे पहले कोई देखा नहीं था, ना धोनी देखे थे ना सौरभ गांगुली ऐसा कुछ कमाल कर पाए थे, लेकिन विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को दो बार हराया है वो एक कह सकते हैं अजूबा ही कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कीर्तिमान के आगे वो कीर्तिमान कुछ भी नहीं जिसमें ट्रॉफी की एक कह सकते हैं जीत की खुशी होती है, ICC की जो तीनों ट्रॉफी होती है उसमें से एक भी नहीं जीता पाए, बात यहाँ पर सिर्फ रोहित की हाइप की नहीं थी। आपने जरूर कह दिया कि एक ICC का टूर्नामेंट की ट्रॉफी जरूर एक कैप्टन के पास होनी चाहिए, अगर आप भारत के कैप्टन बने तो एक ट्रॉफी ICC की बनती है, लेकिन कह सकते हैं जिस तरीके से एक खिलाड़ी पे आप पूरे तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते, धोनी के पास ICC 3 ट्रॉफी इसलिए है क्योंकि उन्होंने खिलाड़ी देखे ना उस वक्त कौन से खिलाड़ी उनके टीम में शामिल थे, जब वर्ल्ड कप जीता था सहवाग, सचिन, युवराज, भज्जी, जहीर खान, गौतम गंभीर, इतने सारे खिलाड़ी थे कि उनकी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती थी ऐसे सिचुएशन में जहां पे भारत अभी उनकी कैप्टनशिप में फंसती है, ना टॉप ऑर्डर चलता है ना मिडिल ऑर्डर चलता है, सिर्फ विराट कोहली पे आप टिक के नहीं रह सकते, हमने जितने भी तीनों ट्रॉफी की फाइनल या सेमीफाइनल देखा सब में हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ है, सब में हमारी गेंदबाजी कहीं ना कहीं फेल हुई है, इस T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारी गेंदबाजी बहुत पूर हुई थी, तो इसमें आप विराट कोहली को क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन कर सकते हैं?
बात सिर्फ यहाँ 5 महीने की नहीं थी, 5 साल उन्होंने कप्तानी की थी, 5 साल उनके पास टीम बनाने का मौका था। उन्हीं की क्या कहते हैं अगुवाई में हमने शमी बुमराह जैसे खिलाड़ी को बढ़ते देखा, युजवेंद्र चहल को बढ़ते देखा, शिखर धवन को शतकों की यहाँ पर बौछार लगाते देखा, रोहित शर्मा ने बहुत बेहतरीन किया। तो रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी ऐसे मौजूद थे, शिखर धवन जैसे खिलाड़ी, शमी उसके बावजूद भी क्यों नहीं? आज जरूर आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा कि क्यों ऐसा बड़े बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी हमने विराट कोहली कैप्टेंस में क्यों नहीं जीता। विराट कोहली के पास 5 साल थे आईसीसी ट्रॉफी जिताने के। तो मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने एक टीम बनाई है, अब वो टीम रोहित शर्मा के हाथों में चलेगी। हमने इसे पहले भी देखा था, सौरव गांगुली ने अच्छी टीम बनाई तो धोनी ने आईसीसी की सभी ट्रॉफियां जीती, चाहे वो T20 हो, T20 वर्ल्ड कप क्यों ना 2011 का। अब फिर जब धोनी ने टीम बनाई तो अब विराट कोहली के पास वैसे कुछ हुआ ही नहीं। धोनी जिस तरीके से टीम बना के थी वो कभी चली नहीं ऐसे मैचों में जहां पर जरूरत थी उन प्लेयरों के चलने की। धोनी को छोड़ दिया जाए या फिर विराट कोहली को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगा कोई भी ऐसा प्लेयर टूर्नामेंट के बड़े बड़े मैचों में चले होंगे। बिल्कुल, तो ये बात सही है कि अगर कप्तान के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया तो कप्तान आपको मैच निकाल कर नहीं दे सकता। पाकिस्तान वाला मैच याद करें T20 वर्ल्ड कप का, 55 रन अकेले कोहली ने बनाए, 39 बनाए थे ऋषभ पंत ने, इसके अलावा सब फ्लॉप थे। वहां रोहित शर्मा भी थे, KL राहुल भी थे, बड़े से बड़े बल्लेबाज थे, सब फ्लॉप थे। तो अकेले कप्तान यहां पर मतलब कह सकते हैं कि साथी हाथ बढ़ाने वाला जो सवाल होता है वो यहां पर साथी ने किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने भी कोहली के लिए ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ट्रॉफी जिता कर दूंगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की इंटेंशन थी, विराट कोहली थे, उस समय सुरेश रैना थे, जब 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता तो सबके मन में था कि सचिन पाजी के लिए कुछ करना है। तो वो एक चीज नजर नहीं आती इस समय टीम में, वो यूनिटी होती है। यूनिटी किसकी वजह से टूटी हुई है, आपको क्या लगता है कि उसका रीजन कौन है? क्या यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी है या फिर खुद विराट कोहली? मुझे लगता है इस तरीके से आपने कहा कि यूनिटी टूटी है, मुझे कहीं से भी लगता है कि यूनिटी टूटी है भारतीय टीम में। जो भी हम मैसेज देखते हैं सब में सबका तालमेल अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर की बात क्या है वो अभी तक खुल के सामने कभी भी मीडिया हाउसेस के सामने नहीं आती है, वो अंदर ही रहती है और अंदर ही उसका सलूशन निकाल दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जी हाँ, जहां पे पानी होता है वहां पे कीचड़ होता ही होता है, जहां पे इतने सारे लोग खेल रहे होते हैं थोड़ी सी झगड़े होते ही होते, तो वो एक नॉर्मल सी बात होती है टीमों में, लेकिन उसको लेकर आप बड़ी हाइप नहीं क्रिएट कर सकते। तो हमने देखा कि रोहित शर्मा का एक बयान भी, मतलब रोहित शर्मा की तरफ से तो नहीं लेकिन हाँ मीडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग पता चला था कि रोहित शर्मा जब T20 कप्तानी संभालने वाले थे तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मेरे को ODI की भी कप्तानी दी जाएगी तभी मैं T20 कप्तानी करूंगा। विराट जैसा कप्तान होने के बावजूद भी रोहित ने ये शर्त क्यों रखी, क्या उनके मन में था? विराट, आपने एक इंटरव्यू में जरूर सुना होगा रोहित शर्मा ने ऐसा, मुझे लगता है कि अपने मुंह से कभी कहा होगा, ये एक जरूर खबरों के सामने ऐसी आ रही है, रूमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा ने कहा होगा कि मुझे ODI कैप्टनशिप भी दीजिए। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा इतने बड़े खिलाड़ी हिटमैन नाम से जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको कभी लालसा होगी कैप्टनसी की, विराट कोहली से कैप्टनशिप हटा के मुझे दीजिए आप। मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर ऐसा चाहता हो जो भारत की हर एक टीम से खेलता होगा कि वो ये चाहता हो कि मुझे कैप्टनशिप दी जाए, मुझे कैप्टनशिप दीजिए। आप भारत के लिए खेल रहे हो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, कैप्टनसी किसे देना है किसे नहीं देना वो आप BCCI पे छोड़ दीजिए, आप सिलेक्टर्स पे छोड़ दीजिए कि आप कैप्टन किसे बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे अभी जहां लग रहा है कि जिस तरीके से विराट कोहली ने यहां से कैप्टनसी छोड़ी है, और मुझे लगता है कि 1-2 साल और वो कैप्टनसी कर सकते थे, 2030 के वर्ल्ड कप में वो कैप्टन बन सकते थे और वो हम उसे जीत भी सकते थे। बाहर उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी रहा भारत से, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके चलते विराट कोहली। तो अभी हाल ही में यानी कि रोहित शर्मा का बयान सामने आया जो BCCI ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है थोड़ी थोड़ी क्लिप के तौर पर, उसमें साफ कहा है रोहित शर्मा ने कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसी तैयारियां कर रहे हैं जिसमें टीम एकदम यूनिटी के साथ दिखे, राहुल द्रविड़ का हमें उसमें साथ चाहिए होगा, और प्लस उन्होंने विराट कोहली को जी हाँ एक और बात उन्होंने बीच में कहा था कि हम मिडिल ऑर्डर पे अपना काम करना चाहते हैं, जहां पे 10 रन पे 3 विकेट गिर जाते हैं वहां से हमारा मिडिल ऑर्डर जो है बिल्कुल भी साथ नहीं देता है, साथ नहीं। जिस तरीके से हमने देखा था कि पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप में हमारा पहला मैच 24 अक्टूबर खेला गया, उस मैच में हमने देखा जब ऊपर के 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए तो हमारे मिडिल ऑर्डर ने थोड़ी सी पारी को संभाला, लेकिन उतनी जिस तरीके से कह सकते हैं कि वो एक जरूरत थी वो वैसा नहीं कर पाए, वही वैसा हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखने को मिला। तो रोहित शर्मा यही कहना चाहते थे कि मैं पूरे तरीके से अपनी टीम को जब ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है वो सिखाऊंगा, उसकी हम तैयारी करेंगे अगले 2-3 सालों के लिए। तो ये चीज उन्होंने साफ रोड मैप तैयार कर लिया है ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप से लेकर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप तक। रही बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो अभी भी कंधे पर दारमदार टेस्ट की कप्तानी का विराट कोहली के है, वहां पर अपने आपको प्रूफ कर सकते हैं अगर ट्रॉफी जिता कर देते हैं वहां से, क्योंकि इस समय टेस्ट टीम भी बहुत मजबूत है टीम इंडिया की। आपने न्यूजीलैंड वाले टेस्ट में ही देख लिया किस तरीके से 372 रन की एक बड़ी जीत दर्ज करी न्यूजीलैंड टीम के सामने, जिन्होंने इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। रॉस टेलर को तो एकदम मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा बल्लेबाज बना दिया जिसको किसी भी गेंदबाज ने आसानी से गेंदबाजी करी और उसने आसानी से विकेट छटकाई। लेकिन यहाँ बात करें देखो कॉन्क्लूजन का, तो ये निकलकर सामने आता है कि रोहित भी अपनी जगह सही है इस समय, क्योंकि ना ही वो देखा जाए
कप्तानी की लालसा होती तो 34 साल की उम्र में कप्तानी नहीं संभालती। उनको लग रहा है कि टीम इंडिया बिखर रही है, टीम इंडिया का ट्रॉफी का जो सेक्शन है वो खाली पड़ा है जब से धोनी ने कप्तानी छोड़ी, तो शायद यहां से टीम इंडिया के बारे में ही सोचते हुए उन्होंने यहां पर पूरा फोकस उनका टीम इंडिया पर है और रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उसमें विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भी उनको चाहिए ही चाहिए, तो उम्मीद हम ये करते हैं कि रोहित का साथ पूरा देंगे विराट कोहली का, जैसे विराट कोहली का साथ दिया था रोहित शर्मा ने, दोहरा शतक लगाया, तीन तीन दोहरे शतक लगाए विराट कोहली कप्तानी में, तो वो चीजें हम भी देखना चाहेंगे विराट कोहली के ही बैट से कि रोहित अपने कंधों पर दारमदार ले रहे हैं, तो यहाँ पर बल्ले से कमाल अब दिखाना चाहिए विराट कोहली को। तो आखिरी एक क्या कहना चाहेंगे कि दोनों में से बेहतर कौन है ओडीआई के लिए? जी बेहतर की बात तो आप करिए, बैट्समैन दोनों बेहतर, लेकिन कैप्टनसी की अभी तक बात करें तो विराट कोहली ज्यादा ऊपर दिख रहा है अभी रोहित शर्मा। चलिए ये बात तो सही है क्योंकि विराट ने करीब 95 मैचों में 50 से ज्यादा मैचेस जा कर दिए, 68% का रेशियो है, तो ये अच्छी बात है। तो दोस्तों यहीं पे आप कमेंट्स करके खुद ही बताइए कि रोहित वर्सेस विराट की जंग में आपको क्या लगता है, किसको यहाँ पर दोबारा से क्या विराट कप्तानी दे देनी चाहिए वापस, या रोहित के साथ आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आज इस प्रोग्राम को करते ही परंतु धन्यवाद दोस्तों।